आज मैं करने वाला हूँ एक चैलेंज जिसमें मुझे इस पिंक बॉल को हिट करना है, वो भी क्रिकेट के तीन इंपॉर्टेंट शॉट्स खेल के, जैसे कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव। इन तीनों ही शॉट्स को मुझे खेलना है और मुझे इस तरह से शॉट मारना है कि पिंक बॉल हिट हो और ये पिंक बॉल नीचे गिर जाए, तब फिर मेरा चैलेंज होगा कम्प्लीट। मुझे मिलेंगे तीन चैलेंज, अगर तीनों में से मैं दो चैलेंज भी कंप्लीट कर लेता हूं तो मैं इस पूरे चैलेंज का विनर हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कोई भी दो चैलेंज हार जाता हूं तो मैं इस चैलेंज को हार जाऊंगा। तो इस चैलेंज में बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैलेंज के रूल्स बता देता हूं। रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगी 5 लाइफलाइंस। जैसे अगर मैं कवर ड्राइव खेलता हूं और मैं उस बॉल को मिस कर जाता हूं, बची हुई 4 बॉल्स पे मुझे पिंक बॉल को हिट करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं उस चैलेंज को हार जाऊंगा और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए 2 चैलेंज को मुझे जीतना पड़ेगा ताकि मैं ओवरऑल चैलेंज को जीत पाऊं। और जब तक पिंक बॉल हिट होकर नीचे नहीं गिरती है तब तक ये चैलेंज सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। और इस चैलेंज का मैंने नाम रखा है बॉल हिट द गोल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाली बॉल हमको हिट करना है इस वाली बॉल से। चैलेंज टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे पहले ही कवर ड्राइव हिट करना है और इस बॉल को कोई डालेगा नहीं, मुझे दीवार पर थ्रो करना है और फिर कवर ड्राइव खेलना है, और इसके लिए मुझे 5 लाइफलाइंस ही मिलेगी। थोड़ा टफ तो है लेकिन देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट 4 हो चुके हैं और ये लास्ट है। सब आसपास से निकले, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत पास है और पास में हिट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई ये टफ बहुत चैलेंज है क्योंकि कोई बॉल डालने वाला भी नहीं है, इसलिए और ज्यादा ये टफ है। लास्ट बॉल बची है, आई होप कि इस बॉल पे हिट हो जाए। यस यस यस। तो गाइस फाइनली हमने लास्ट वाले पे कवर ड्राइव हिट कर दिया और परफेक्टली हिट हुआ, बिल्कुल जाके बीचों बीच लगा और बॉल पूरी इधर उधर हो गई। अब बचे हैं 2 और दोनों में से अगर एक भी मैंने कर लिया, और मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि बाकी जो 2 है ना बहुत ही इजी है क्योंकि एक तो स्ट्रेट ड्राइव है और दूसरा है ऑन ड्राइव। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों इससे काफी ज्यादा इजी होंगे क्योंकि कवर ड्राइव था काफी मुश्किल था। अब बचे हैं 2 में से अगर एक भी मैंने जीत लिया तो मैं ओवरऑल इस चैलेंज को जीत जाऊंगा। तो अब देखते हैं इस 2 राउंड्स में क्या होता है। तो गाइस हमारा स्ट्रेट ड्राइव का सेटअप तैयार हो चुका है और स्ट्रेट ड्राइव के लिए भी मुझे मिलेंगी 5 लाइफलाइंस, और मुझे नहीं लगता कि 5 लाइफलाइंस तक जाना पड़ेगा, मैं 2 के अंदर अंदर गिरा दूंगा। देखते हैं क्या होता है। पता नहीं था कि यहां तक आ जाएगा। 4 हो चुके हैं, लास्ट बचा हुआ है। गाइस स्ट्रेट ड्राइव में मिस हो गया मुझसे, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैं सोच रहा था कि स्ट्रेट ड्राइव है, इतनी सी जगह है, मैं बस गिरा दूंगा। गाइस ये थोड़ा चैलेंज मुझे लगता है टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई बॉल डालने वाला नहीं, अगर कोई बॉल डालने वाला होता तो मैं बहुत ही इजी मार देता, लेकिन यार स्ट्रेट ड्राइव तो लगना था यार। तो अब जो हमारा फाइनल राउंड बचा है वो है ऑन ड्राइव का। अगर मैंने इस राउंड में इस बॉल को हिट कर दिया तो मैं इस चैलेंज का विनर हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं हिट नहीं कर पाया तो मैं हार जाऊंगा क्योंकि इससे पहले भी मैं स्ट्रेट ड्राइव वाला राउंड हार चुका हूं। तो अब मुझे इसमें डू और डाई है क्योंकि मुझे इसमें करना ही पड़ेगा, और ऑन ड्राइव है क्योंकि स्ट्रेट ड्राइव मुझसे मिस हो गया तो मैं ऑन ड्राइव के लिए कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं। ओ यार यस कम ऑन। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने पहले कवर ड्राइव वाला राउंड जीता, फिर स्ट्रेट ड्राइव वाले राउंड में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं 2 से ज्यादा बॉल्स नहीं लूंगा, लेकिन वो वाला राउंड में हार गया, मैंने 5 बॉलें मिस कर दी। उसके बाद फिर मैंने 3rd राउंड में ऑन ड्राइव में बॉल के टॉप को हिट करके इस राउंड को भी जीता और इस चैलेंज को भी जीता। और इस चैलेंज को करने का रीजन ये था
कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शॉट डेली सीख रहे हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा फन एक्टिविटी होती है तो हमको भी थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और फिर हम वापस से जब अपने शॉट्स को प्रिपेयर करेंगे, फिर वापस से रेडी करेंगे, तो थोड़ा हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी आप लोग भी अपने घर पर कर सकते हो। अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो आप लोग कहीं नहीं जा रहे होंगे, तो आप लोग भी इस तरह से प्रैक्टिस करते हो घर पे, तो आप लोग भी इस तरह से कोन का सेटअप करके आप लोग भी अपने लिए थोड़े थोड़े चैलेंज रख सकते हो। तो यही पर्पज था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर चैलेंज पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे जीतने से आपको खुशी है तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्रिकटेक।